सिक्स क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे फ्रैक्शन के टाइप और फिर उसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज आपके 5B और 3B के 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्रेशन द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन मिक्सर फ्रैक्शन के अंदर से गिवन है और इसको अपन को चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। ओके, और गिवन आपको मिक्सर फ्रैक्शन। अब लास्ट क्लास में हमने कन्वर्ट करना भी मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्सर के अंदर कन्वर्ट नॉट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉलोइंग फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट नंबर ले रही थी एक और इसके अंदर एक 3 and 1/4 3 and 1/4 फ्रैक्शन है, ये मिक्सर फ्रैक्शन, इसको अपन को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ओके, तो चेंज करते हैं अपन, वैसे तो अपन वही अपना ही है जो पहले था। क्या करना, 3 और 4 का मल्टीपल प्लस 1 अपॉन के अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर जो मिक्सर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू है वही आप इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नॉट करेंगे। ओके, अपॉन के अंदर 4, अब इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएंगे, 3 और 4 का मल्टीपल 3 4 12 और प्लस का 1 अपॉन 4। ओके, 12 + 1 = कितना हो जाएंगे, 13 अपॉन 4, कितना हो गए, 13/4 आंसर आपके, नॉट कीजिए एक 13/4। कौन से फ्रैक्शन को आपने मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर के अंदर चेंज किया है, मिक्सर फ्रैक्शन है 3 and 1/4 जिसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपन को फाइंड हुए 13/4, नॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डी डी के अंदर फ्रैक्शन दे रहे हैं मिक्सर 4 and 1/7 4 and 1/7 इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 4 × 7 प्लस का 1/7। ओके, तो 4 × 7 = 38 प्लस 1/7 28 और प्लस 1 कितना आ जाएंगे, 29/7 नॉट कीजिए आंसर इसी का कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सी के अंदर आपको नंबर दे रही है प्रश्न सिक्स एंड वन अपॉन नाइन सिक्स एंड वन अपॉन नाइन ये मिक्सर फ्रैक्शन है और इस मिक्सर फ्रैक्शन को अपन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है ओके तो क्या हो जाएगा सिक्स मल्टीपल नाइन प्लस का वन अपॉन नाइन सिक्स नाइन में कितना होता है फिफ्टी फोर प्लस का वन अपॉन नाइन नेक्स्ट 54 प्लस 1 55 अपॉन के अंदर 9 नौ चीज है अभी सी ठीक नेक्स्ट आपके सी के अवसर में टी डी के अंदर आपको दे रहेगा नाइन एंड नाइन एंड सेवन अपॉन ट्वेल्व ओके तो ये मिक्सर को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा नाइन मल्टीपल ट्वेल्व प्लस सेवन अपॉन ट्वेल्व नाइन ट्वेल्व से कितना होता है 108 108 प्लस सेवन और अपॉन के अंदर ट्वेल्व ओके तो 108 प्लस सेवन कितना हो जाएंगे 115 अपॉन ट्वेल्व ये आपके आंसर हो गए नोट कीजिए 115 अपॉन ट्वेल्व इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई नेक्स्ट है आप देखते हैं लास्ट ई ई के अंदर रहेगा 50 अपॉन एंड 1 अपॉन 3 तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लस 3 प्लस का 1 अपॉन 3 सो करेंगे 15 3 का 150 प्लस 1 अपॉन के अंदर 3 दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो 151 अपॉन 3 नॉट चेंजिंग डी एंड ई और इसी के साथ आज के क्वेश्चन तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर देगा राइट देखो लाइन इज ए मिक्सर नंबर अपन को जो इम्प्रॉपर है उसको मिक्सर क्वेश्चन के अंदर चेंज करना है या मिक्सर नंबर के अंदर चेंज करना है ओके मिक्सर नंबर 3 करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 राइट
राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग प्रश्न 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 ए कोई बात नहीं, ये भी नोट कर सकते हैं। ए मिक्सर मिक्सर प्रेशर मिक्सर प्रेशर ओके फर्स्ट देने का ई 12/5 पे इम्प्रॉपर क्वेश्चन है और इसको चेंज करना है मिक्सर फ्रैक्शन के अंदर ओके ये आपके नहीं है फ्रैक्शन इज डायरेक्ट नॉट करना है मिक्सर फ्रैक्शन ए मिक्सर नंबर ओके 12/5 इसको चेंज करते हैं मिक्सर नंबर के अंदर तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर डिवाइड करेंगे 12 के अंदर और इसके टेबल से 2 टाइम होगा 10 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 ओके देन किस टाइप से नोट करेंगे किस नंबर से डिवाइड किया हमने 5 से अकाउंट के अंदर 5 हो जाएंगे क्वेश्चन में कितना पॉइंट हुआ 2 या 2 नोट कर देंगे और रिमाइंडर 2 तो यहाँ पे रिमाइंडर इसको अपन कैसे नोट किया है ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले नोट करता हूँ मैं क्वेश्चन है पेज आपने डिवाइडर नोट किया है यहाँ पे डिवाइडर डिनोमिनेटर की और यहाँ पे रिमाइंडर रिमाइंडर नोट किया ओके ये फॉर्मूला हो गया इस टाइप से आपको सॉल्व करना है तो मिक्सर फ्रैक्शन क्या हो गए या मिक्सर नंबर क्या हो गए 2 and 2/5 नोट कीजिए 2 and 2/5 2 and 2/5 नेक्स्ट है बी बी के अंदर आपको नंबर दे रहे हैं बी 20/3 ओके तो 20 के अंदर डिवाइड करेंगे 3 की टेबल से कितने टाइम हो रहा है 6 टाइम 18 3 8 जा 36 18 माइनस आ जाए रिमाइंडर 2 ओके अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 6 टाइम कितना रिमाइंडर 2 ये आपके मिक्सर नंबर हो गए नोट कीजिए नेक्स्ट सी सी का जब प्रेशर देने के 37/8 ओके डिवाइड करना है 37 और 8 की टेबल से
तो एक ही टेबल 37 तो नंबर फाइंड होते नहीं है, तो कौन सा नहीं है 32 कितने टाइम 4 टाइम और माइनस करेंगे तो 5, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से नंबर से डिवाइड किया आपने 8 से, कितने 4 रिमाइंडर 5। ओके नॉट कीजिए, ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है आप करें डी। ठीक है आपका डी। डी के अंदर नंबर दे रखे हैं 59/11, 59/11 डिवाइड करते हैं 59 और 11 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो 11 फैक्टर करते होते हैं 55, 5 डिवाइड हो जाएंगे और 55 माइनस करेंगे 9 में से 5 तो 4, रिमाइंडर कितना हो गए 4। ठीक, अब इस क्वेश्चन को तो कैसा हो जाएगा आपकी आंसर, कौन से 11 से डिवाइड किए क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 4, तो 5 एंड 4 अपॉन 11 और कीजिए डी। नेक्स्ट के अंदर आप नंबर दे रखे हैं 100/19। ओके तो कैसे डिवाइड 100 के अंदर 19 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम हो जाएगी 5 टाइम 19 फाइव का 90 फाइव 90 by 95 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे 5, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे 19 और कितने टाइम हुआ 5 टाइम और 5 रिमाइंडर। ओके नोट कीजिए आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपकी 4। And is
एंड इज द लॉन्गेस्ट बोन इन वुमेन बॉडी राइट द लैंप इन ए मिक्सर सेक्शन ओके सो बताएं मिस्टर प्रेसिडेंट क्या आपको लैंड लॉन्ग दे रखे हैं टिम्बर बॉम इन द अपर लेग ऑफ लैंथ है आपकी कितनी देरी की 100/2 cm ये आपकी कैसी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है और इसको मिक्सर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है मिक्सर नंबर या फ्रैक्शन ओके तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 के अंदर 2 से कितना टाइम हो गया 5 टाइम ओके यहाँ पे 10 फिर 9 रिमाइंडर 0 फिर 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ओके फिर आपके रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ओके तो कितने टाइम हो गए डिवाइड इंटरफेक्शन क्या होता है कि 50 and 1/2 cm आंसर आप नोट कीजिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ओके और कुछ फ्रैक्शन के टाइप है वो भी नोट करेंगे नोट कीजिए कंप्लीट ओके okay.